चलिए जी शुरू करें जी। गौरी और गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। जो नए आ रहे बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी शुरू नहीं किया हमने तो बैठ सकते हैं। वहीं तो बैठ जाइए। चलिए जी, अगर ज्योति जला ली है जो जल्दी जी आराम से सोइए जल्दी। गणेश और गौरी जी का ध्यान करना है। बोल गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की विधि, फिर उसके बाद कथा शुरू करेंगे। पहले विधि सुन लीजिए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे भगवान, कार्तिक मास में वह कौन सा सुंदर व्रत है जिसको करने से व्यक्ति कल्याण को प्राप्त हो और व्रतधारी लोग सुखी हों। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, ये व्रत सब पापों का नाश करता है और परम कल्याणकारी है और सुहागन स्त्रियों को यह व्रत विशेष रूप से रखना चाहिए। इस व्रत को करने से उनका सुहाग सदा अटल रहता है। नारद जी बोले, महाराज किस महीने में किस तिथि को और किस विधि से इस व्रत को किया जाता है और पूजा की सामग्री क्या है, किस समय भोजन करना चाहिए, यह सब कुछ विधि विधान से हमें बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस व्रत को कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि के दिन करना चाहिए और चौथ से पहले 30 तिथि को संकल्प करना चाहिए। इसका विधान इस प्रकार है, सुहागन स्त्रियों को चाहिए प्रातः काल उत्सव पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर मन से भगवान का स्मरण करके व्रत का
संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचयिता देवताओं के स्वामी, मेरे पति की सदा रक्षा करो, मेरा परिवार बढ़ाओ, व्रत करने वाली स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार व तरह तरह के आभूषण पहनना शुभ कार्य होता है, दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए और सारा दिन भजन कीर्तन पूजा पाठ आदि करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, सायकाल में हमारा उत्सव करें, ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाएं, सोने चांदी प्रतिमा सोने चांदी मणि तांबा या मिट्टी या गोबर की ही बना सकते हैं, उसको लाल वस्त्र ओढ़ाएं, श्रद्धा से चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबू और दक्षिणा से पूजा करें और प्रतिमा के सामने एक पात्र रखें, उसमें दूध डालें और फिर इस तरह प्रार्थना करें, हे ईश्वर हमारे पति की सदा रक्षा करना, पुत्र नाती सहित धन संपत्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को दक्षिणा दें तथा अनेक प्रकार के दान करें, इस तरह अपने कुल के बड़ों को संतुष्ट करें, जैसे सास ननद खुफिया सास इनको भेंट देकर इनके चरण छुएं। फिर रात को चंद्रमा के दर्शन करके उसे अर्घ देकर पानी पिए और व्रत खोलें और भोजन करें। बोल गौरी गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की कथा। एक थी वीरू नाम की लड़की जिसके साथ भाई थे, साथ भाइयों की वीरू एक ही लाडली बहन थी। करवा चौथ के व्रत का दिन आया, वीरू ने अपने भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वीरू को भूखी प्यासी देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ, उनसे वीरू का मुरझाया चेहरा देखा नहीं गया। उन भाइयों ने जंगल में दूर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला दी। वह ऐसे लग रहा था जैसे चंद्रमा का प्रकाश हो। अपनी अपनी थालियां जो बताना चाहते हैं बना लीजिएगा। लवीरो कूड़ी करबड़ा ल करबड़ा वटाइए, गोविंदा चोली पाइए, ल सुतड़ा जगाई ना, रूठे या मनाई ना, बांध पैर पाई ना, तते या अटेरी ना, पूंछ रखड़ा तेरी ना, ले करबड़ा ल करबड़ा ल करबड़ा वटाइए, चौबंजा चोली पाइए, ल सुतड़ा जगाई ना, रूठे या मनाई ना, बांध पैर पाई ना, तते या अटेरी ना, पूंच रखड़ा फेरी ना, ले करबड़ा ले करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा ले वीरो कूड़ी करबड़ा ले करबड़ा वटाइए, गोविंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रूठे या मनाई ना, बांध पैर पाई ना, तते या अटेरी ना, पूंच रखड़ा फेरी ना, ले करबड़ा ले करबड़ा ले करबड़ा वटाइए, गोविंदा चोली पाइए, ल सुतड़ जगाई ना, रूठे या मनाई ना, बांध पैर पाई ना, तते या अटेरी ना, पूंछ रखड़ा फेरी ना, ले करबड़ा ले करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा। फिर क्या हुआ, फिर घर आकर उन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देख वीरो तेरा चांद निकल आया है। वीरू ने पूछा कि भाभियों का चांद तो अभी निकला नहीं, फिर मेरा चांद कैसे निकल आया। भाइयों ने लाडली और अनजान बहन से कहा कि तेरी भाभियों का चांद भी निकल आएगा। इसी भ्रम में आकर वीरू ने अपना व्रत खोल लिया और वीरू का व्रत टूट गया। फिर से अपने अपने थालियां बता लीजिए। ले वीरो कूड़ी करबड़ा ले करबड़ा वटाइए, गोविंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रूठे या मनाई ना, बान पैर पाई ना, तते या अटेरी ना, पूंछ रखड़ा तेरी ना, ले करबड़ा ले करबड़ा ले करबड़ा वटाइए, गोविंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रूठे या मनाई ना, बान पैर पाई ना, तते या अटेरी ना, पूंच रखड़ा तेरी ना, ले करबड़ा ले करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा, ले वीरो कूड़ी करबड़ा ले करबड़ा वटाइए,
गोविंदा चोली पाए ले सुतड़ा जगाईना रुठे अमदाईना बान पैर पाईना ततया अटेरीना ऊंच रखड़ा फेरीना ले कर बड़ा ले सब स्वागत कर बड़ा ले बीरो पूरी कर बड़ा बीरो का राजा पति गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। बीरो को राजा की सुइयां निकालते निकालते एक साल लग गया। फिर से करवा चौथ का व्रत का दिन आया, करवड़े बिकने के लिए आए। बीरो ने फिर से यह व्रत रखा और मन से ध्यान किया कि इस बार वह सबके साथ ही मेरा भी चंद्रमा निकलेगा। फिर से अपने मिठाई बता लीजिए, ले बीरो कूड़ी कर बड़ा ले कर बड़ा बटाइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना तते या अटेरी ना पूंछ रखड़ा पेरी ना ले कर बड़ा ले सब सुहागन कर बड़ा ले बीरो कूड़ी कर बड़ा लेकर बड़ा बटाइए चवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना पाँ पैर पाई ना तते या अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना लेकर बड़ा ले सब सुहागन कर बड़ा ले बीरो कूड़ी कर बड़ा ले कर बड़ा बटाइए चवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना पाँ पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना लेकर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा। बीरो रानी दासी को राजा की सुइयां निकालने के लिए राजा के पास बैठा के अपने व्रत पूजा के लिए चली गई और जैसे ही पूजा समाप्त हुई इधर दासी ने राजा की आखिरी सुई निकाल दी। राजा गहरी नींद से उठ बैठता है और उस दासी को ही अपनी रानी समझ लेता है। फिर से अपनी अपनी थालियां बना लीजिए, ले बीरो कूड़ी कर बड़ा ले कर बड़ा भटाइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना तते या अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले कर बड़ा ले कर बड़ा ले कर बड़ा भटाइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना तते या अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले कर बड़ा ले कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले बीरो कूड़ी कर बड़ा ले कर बड़ा बटाइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना तते या अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले कर बड़ा ले कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले बीरो कूड़ी कर बड़ा। फिर क्या हुआ, जो दासी थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी बन गई। अब बीरो बहुत दुख में पड़ गई। एक दिन की बात है, राजा परदेश जाने को तैयार था तो जो दासी रानी बन बैठी थी उसने राजा से बहुत सारे गहने और आभूषण परदेश से लौटते समय लाने को कहा। तो राजा ने कहा ठीक है। चलते समय राजा ने उस दासी से भी पूछ लिया जो रानी की अब दासी है, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं लेता आऊंगा। बीरो ने जो अब दासी है केवल एक गुड़िया ही राजा से लाने को कहा। फिर से अपने मिठाई बता लीजिए, ले बीरो कूड़ी कर बड़ा बटाइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना
रूठया मनाई ना बांध पैर पाई ना तत्या अरेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना लेकर बड़ा लेकर बड़ा लेकर बड़ा वटाइए गोविंदा चोली पाइए लसुतड़ा जगाई ना रूठया मनाई ना बांध पैर पाई ना तत्या अरेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना लेकर बड़ा ले सब सुहागन कर बड़ा ले बीरो पूरी कर बड़ा ले कर बड़ा बटाइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना तत्ते या अटेरी ना पूंछ रखड़ा पेरी ना ले कर बड़ा ले कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा समय बीता राजा परदेश से लौटा तो दोनों को अपनी अपनी चीजें दे देता है। अब बीरो को गुड़िया मिल गई। बीरो दासी हमेशा अपनी दुख भरी कहानी उस गुड़िया को सुनाती और कहती, फिर से अपनी मिठाइयां बता लीजिए। ले बीरो कूड़ी कर बड़ा ले कर बड़ा बटाइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रुठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना तते या अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले कर बड़ा ले सर्व स्वागत कर बड़ा ले बीरो कूड़ी कर बड़ा ले कर बड़ा बताइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रुठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना तते या अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले बीरो पूरी कर बड़ा ले कर बड़ा बटाइए गोविंदा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे।